चलिए देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और एक और जोधपुर से बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बोलेरो सवार बदमाशों ने युवक का अपहरण किया है और अपहरण करके बदमाशों ने युवक की नाक काटी है। गेनाराम उर्फ पिंटू का दुधाड़ा गांव से आपको बता दें कि अपहरण किया गया है। दुधाड़ा गांव से यह अपहरण किया गया है। ओसिया पुलिस ने तिवरे पुलिस को अपहरण की सूचना दी और सूचना पर तिवरे पुलिस ने यहां पर तत्परता दिखाई है। पुलिस ने घेवड़ा रोड पर नाकाबंदी की। नाकाबंदी देखकर जो किडनैपर से वो युवक को सड़क पर छोड़कर यहां से फरार हुआ है। पुलिस युवक को इलाज के लिए लेकर अस्पताल पहुंची है और अब आपको बता दें कि ओसिया पुलिस लगातार यहां पर बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। बदमाशों की तलाश को लेकर आपको बता दें कि नाकाबंदी यहां पर की गई है। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ सारे पत्रकार भीमराज जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। भीमराज, बताया जा रहा है युवक का अपहरण किया गया, हालांकि बदमाश छोड़कर फरार हुआ है, लेकिन उनकी तलाश अब भी जारी है। कहां तक कार्रवाई पहुंच पाई है? जी बता दूं कि ये घटना है वो सुबह है, अपने दिलदाड़ा गाँव से शुरू हुई है और ये बदमाश है वो टिवरी अपहरण युवकों को टिवरी में छोड़ करके भागे है। फिलहाल अपहरण युवक को पुलिस ने अस्पताल में पहुँचाया है और पुलिस अपहरणकर्ताओं की सर गर्मी से तलाश कर रही है। पुलिस की नाकाबंदी अभी जारी है। जी चलिए भीम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल नाकाबंदी पुलिस की तरफ से की गई है, बदमाशों की तलाश लगातार पुलिस की ओर से की जा रही है। जयपुर कमिश्नरेट के बस्सी थाना इलाके में महिला की हत्या के बाद सनसनी यहां पर फैल गई है। आपको बता दें कि महिला का शव जो है वो कमरे में लहूलुहान हालत में मिला है। सूचना पर बस्सी थाना पुलिस सहित पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। एडिशनल डीसीपी अवनीश कुमार ने यहां पर बताया है कि बस्सी के बिहारीपुरा गांव में रहने वाली 45 वर्षीय कलावती देवी की अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है और घटना की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। महिला की हत्या सिर पर पत्थर से हमला करके की गई है। अब आपको बता दें कि मौके से हत्या में इस्तेमाल किया गया पत्थर भी बरामद किया गया है और मृतका कला देवी जो है वो अपने पति के साथ तलाक का मामला उसका चल रहा था। महिला करीब 10 सालों से अपने ननिहाल बिहारपुरा में रह रही थी और महिला का पति और 4 बच्चे आपको बता दें कि लुड़ियावास गांव में रहते हैं। महिला यहां पर पिछले लंबे समय से अकेली ही रह रही थी। मौके पर कुछ इस तरीके के साक्ष्य भी मिले हैं जिन्हें देखकर माना जा रहा है कि महिला के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या की गई है।